डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, एक्शन पीडीडी हाय हाय, एक्शन पीडीडी हाय हाय, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली की कटौती बंद करो बंद करो बंद करो, बिजली की कटौती बंद करो बंद करो बंद करो, बिजली की कटौती देखिए। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर के साथ अनदेखी की गई है, केंद्र सरकार के इशारे पे जो हमारे यहाँ पे एलजी हैं उनके द्वारा हर वर्ष गर्मियाँ आते ही 6 से 8 घंटे बिजली की कटौती की जाती है। आप देख रहे हो कि लगातार पिछले 1 महीने से हमारे जिला उधमपुर में, शहर की बात करें या हमारे जो गाँव है गाँव की बात करें, 6 से 8 घंटे का अनशेड्यूल्ड जो कट बिजली का लगाया जा रहा है, जिसके चलते मैं बताऊं कि बुजुर्ग बच्चे महिलाएं और जहां तक कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि शहर के अलावा गांव में जिनके बेचारों के कच्चे मकान हैं, जिनके मकानों में टीने पड़ी हुई हैं, सोचिए वहां पे बुजुर्ग बच्चों का क्या हाल होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी व उनके नेता जो कि चुनावों में जिनकी शक्लें दिखती है, अभी तक उनकी उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हुई, जिसको लेके आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व हमारे जिला उधमपुर के प्रभारी बलवीर सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे उधमपुर में आए हैं। इनके साथ हमारे तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक्स सरपंचिस जितने भी हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हो आज हमने शहीद भगत सिंह पार्क से जुलूस निकाला और हम बिजली विभाग का यहाँ पे घेराव किया है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, यहाँ पे एक्शन यहाँ से गायब है। एक्शन की जगह पे एक्शन की जगह यहाँ पे कोई भी जिम्मेवार आदमी नहीं है जो हमारी बात सुन सके। हम किसको सुनाएं, किसको बताएं, इतनी तानाशाही, इतनी गुंडागर्दी, लोगों की इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब फोर्स करके जो है स्मार्ट मीटर लगाए गए थे और ये कहा गया था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए ये स्मार्ट मीटर नहीं, मैं कहूंगा कि ये डोगरी जी का बताना बसाड़ मीटर, ये स्मार्ट मीटर नहीं है। ये मैं बता दूं कि स्मार्ट मीटर जहां जहां लगे हैं, जो लोग ढोल नगाड़े पे नाच रहे थे कि बीजेपी ने स्मार्ट मीटर, ये सिर्फ शक्ल से स्मार्ट है। जो बिल आ रहे हैं, जिनका 500 बिल आता है उनका 1800 बिल आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हमसे मिले, बहुत सारे लोग, जिनका कहना था कि हमारा 2 महीने का जहाँ 1500 बिल आता था 90,000 बिल आया है। और डिपार्टमेंट कहता है कि गलती हो गई है, बिजली नहीं देंगे, लेकिन किसी का 1 महीने का बकाया हुआ तो 1 मिनट नहीं लगाते बिजली काटने पे। आज हमने सिर्फ यहाँ पे घेराव किया है, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। अगर इन्होंने बिजली की कटौती बंद नहीं की, हम जैसे हमने पहले कहा था भूख हड़ताल करेंगे, आज हमने भूख हड़ताल करनी थी लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें परमिशन नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद भी अगर इन्होंने हफ्ते का टाइम देते हैं, सुधार नहीं हुआ, हमें प्रशासन की तरफ से परमिशन की भी जरूरत नहीं है, हम लगातार भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे साथ बलवीर सिंह जी मेरे इंचार्ज हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी इसमें 2 बातें रखें। आज जहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ, हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट उधमपुर के सुमित मंगोत्रा जी और उनके साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट चनैनी और डिस्ट्रिक्ट जगानू, ब्लॉक प्रेसिडेंट जगानू, सभी अलग अलग ब्लॉक के जहां ब्लॉक सदर आए हुए और पूरी यहां की डिस्ट्रिक्ट कमेटी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो मैं कहता हूं हमारे लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप देखिए इतनी तानाशाही आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। अभी आप देखिए लोग अपना दुखड़ा सुनाए तो सुनाए किसको, दिखाए तो दिखाए किसको, कोई लोगों का दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। देखिए ये जो अनशेड्यूल कट हो रहा है, इतनी तानाशाही कि लोगों का खून चूसा जा रहा है, लोगों से ज़बरदस्ती बिल लिए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उन पर स्मार्ट मीटर के बिल थोप दिए जा रहे हैं। और सरकार को सुविधा देने के बजाय आप खुद देखिए, ये जहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं, उनका ऑफिस ही जो देखिए खाली ऑफिस खुला है लेकिन कोई अधिकारी नहीं है, वो एक्शन साहब खुद जहाँ पे नहीं बैठे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी, इससे बड़ी डिक्टेटरशिप क्या होगी। ये लोग कह रहे हैं
एक तरफ से कह रहे हैं कि एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, यही काम कर रहा है। आप अभी आप देखिए गर्मी पीक सेशन पे खड़ी हुई है, लोगों का त्राही मामा है, लेकिन ये लोग कहाँ सोए हैं कोई पता नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं। आप देखिए यहाँ इस विभाग के तो छोड़िए, बाकी विभागों में भी गंद पड़ा हुआ है। आप देखिए हमारे जो जंगल है कितने खूबसूरत जंगल हैं, सभी जंगलों में आग लगी हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसी तरह सोया हुआ है, पूरे के पूरे जंगल तबाह हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ये जितने भी ऑफिसर हैं जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पर मैं कहूँगा ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ के लोगों पर